नमस्ते दोस्तों, इन सर्च के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत। हर एक एपिसोड में खुद को भी मैं अपग्रेड करता जा रहा हूँ। बहुत सारे पिछले एपिसोड्स देख के भी मुझे लग रहा है कि हाँ, ये यहाँ पे स्किप करना चाहिए, ये यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा। आपके कमेंट्स से भी मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। तो हमेशा कुछ नया देने का, पहले कुछ नया सीख के फिर आपसे कुछ नई चीज़ें शेयर करने का एक मौका मुझे मिलता है इसके ज़रिए। इसलिए मुझे ये वीडियोस बनाना भी बहुत पसंद है। हालांकि अभी कॉन्सर्ट्स शुरू हो चुकी है, मैं अभी लाइव परफॉर्म करने लगा हूँ, तो उसके लिए ट्रैवलिंग, टीचिंग जो है वो भी चल रही है। तो उसकी वजह से जैसे पहले लॉकडाउन में वीडियोस बनाने के लिए बहुत सारा टाइम मिलता था, अभी वैसे नहीं मिलता है, पर फिर भी इसकी एक आदत लग चुकी है। इससे कुछ इंसाइट्स मिलते हैं, कुछ सीखने को मिलता है, तो एक इसका एक अलग नशा मैं कहूँगा वो है। तो आज जो मैंने गाना लिया है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गाना है, पुराना गाना है, मदन मोहन जी का कंपोज किया हुआ और लता दीदी ने गाया हुआ। बहुत सारे लोगों को ये पता है या नहीं मुझे पता नहीं, पर मायरी जब मैंने सर्च किया यूट्यूब पे तो वो अरिजीत का ही आता है पहले। मायरी जो नया वाला है वो चारुकेशी में है वो, पर मायरी में का से कहूँ सिर्फ ये भी आगे डाल देंगे तो वो जो पहला गाना आता है वो लता दीदी का है और मदन मोहन जी का। वो लूप पे है पिछले 4-5 दिनों से मेरे, यानी जो भी कोई मेरा डिवाइस है वहाँ पे वो लूप पे चल रहा है गाना। दिमाग में तो माय गॉड, रात को सोते वक्त भी वही गाना चल रहा है मेरे दिमाग में। तो मैं सोच रहा था कि इसी पे सॉन्ग ब्रेकडाउन बना, और इसलिए आज मैंने डिसाइड किया कि माई रे में कहाँ से कहूँ पीर अपने जिया की। तो एक लाइन कहने के बाद शायद आपको क्लिक हो जाए कि हाँ, ये सुना है हमने। आज पियानो है मेरे सामने, फॉर अ चेंज मैं सिर्फ कीबोर्ड यानी हारमोनियम के साथ ही मुझे देखते हैं आप हमेशा। तो मैंने सोचा कि कीबोर्ड भी बजाओ, और इसलिए उस तरीके का मैंने शर्ट भी पहना है, तो वो भी शायद आपको अच्छा लग रहा होगा। बिंग क्लासिकल म्यूजिशियन ऐसे होता है कि कोई भी गाने का मुखड़ा लिया तो फिर उसमें से राग ढूंढना, उसमें उसकी फ्रेजिंग करना। तो ये मायरी ये सुनने के बाद ही पता चल गया था कि यार ये बागेश्री का एक अलग एक रूप है इसमें। तो सागा मदा नी दमागा सारे सागा मदा नी साने दानी ये पूरा बागेश्री है। सागा मदा नी सागा मदा नी अभी यहाँ पे देखिए चेंज हो गया अपने जिया के मायरी। ये मायरी मैं कासे कहूँ पी अपने जिया के मायरी। पहले ही लाइन में दो राग, तो पहला प्रोमिनेंटली जो जिसका असर है पूरे गाने पे वो है राग बागेश्री। सा ये चल रहा है सा ग म द नी सा नी द म सा ग म द नी द प द म। अभी देखिए यहाँ पे बागेश्री में कोमल गंधार होता है, इसमें म ग ये शुद्ध गंधार लगा दिया उन्होंने, तो इसमें तो कोमल गंधार। ये करने से देखिए ये कंपोजर की एक खूबी होती है, जो बहुत बड़े कंपोजर होते हैं, कि वो एक ही फ्रेज डाल के उसका पूरा फ्लेवर, जैसे मान लीजिए अभी मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग आम्रखंड या श्रीखंड खाते हैं, तो
तो उसमें हम शुद्ध घी मिलाते हैं। बहुत लोगों को वो पसंद नहीं है टेस्ट, वो मुझे बहुत पसंद है। यानी आमरस में भी शुद्ध घी, जो घी मिलाते हैं वो आमरस खाते वक्त उसकी एक चम्मच में भी वो घी आ जाए ना, तो हाँ हाँ ऐसे होता है, मुझे होता है। जो देख रहे हैं उनमें से किसी को भी हो रहा तो वैसे है। ये देखिए, ये मायरी मैं कैसे कहूँ पीर अपने जिया के, मायरी सिर्फ एक ही लाइन है अपने जिया के। तो वो जो फ्रेज है वो है गमा पानी पगमा सा, यह राग जोक सा गमा पानी प गमा पसानी प मगा, गमा पानी पसानी सा गसानी प गमा गनी सा गमा द। सिर्फ एक राग जोक। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ सॉन्ग ब्रेकडाउन में, जो कंपोजर होते हैं वो कोई राग देख के तो गाना कंपोज नहीं करते। ये हम, मेरी ऐसी सोच है कि अगर रागों के जरिए आप, गानों के जरिए आपको राग अगर समझ में आने लगे, ये याद रहने लगे, तो आपको राग संगीत का भी मज़ा आएगा। हमें तो, मैं कल ही कहीं गया था तो कविता का प्रोग्राम था मेरे दोस्त का, तो मुझे ऐसे लगा कि जब मैं कविता सुन रहा था, कोई पढ़ रहा था, तो मैं कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। बाकी के लोग दाद दे रहे थे मेरे आसपास के, वो स्टेज पे भी थे वो भी दाद दे रहे थे, पर मुझे वो चीज़ क्लिक नहीं हो रही थी कहीं तेजा। तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे मुझे वो क्लिक नहीं हो रही थी, तो क्लासिकल म्यूज़िक भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे कि जिनका मज़ा मुझे आता है पर वो लोगों को क्लिक नहीं होती होगी। तो वो मोटिव है कि उसकी जो ब्यूटी है कि कहाँ पे दाद देनी है, या कहाँ पे दाद देने से ही आगे जाके मैं कहूँगा कि कौन सी चीज़ सशक्त है, ताकतवर है, तो वो आप तक पहुंचाना, ताकि फिर बाद में भी आप कहीं भी कुछ सुने तो आपको उसका मज़ा लेने की एक विजन आपको आए, ये इसके पीछे मोटिव। तो जो पहला है सा ग म द म द नी सा नी नी प द ग म प नी प ग नी सा ग म द। अभी इसमें तो बहुत सारे गाने हो गए, मराठी में जो मेरे मराठी व्यूवर्स हैं उनको ये पता होगा, सुरेश वाडकर जी का, श्रीधर फड़के जी ने संगीत दिया हुआ ये आनंदु। तो कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको इस जो स्वर रचना जो है, इसकी फ्रेजिंग है, इससे मिलता जुलता और कोई गाना अगर आपको भी पता हो तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मुझे भी एक इनसाइट मिले कि हाँ अच्छा ये भी गाना है। तो अपने जिया के मारे। अभी इसका अंतरा देखिए, पूरा चेंज, यानी जिसे हम कहते हैं कि मूर्छना। मूर्छना यानी क्या? तो देखिए मारे यहाँ पे शुरू हो रहा है। अभी देखिए उन्होंने क्या किया, सा ग म म, अभी इसको मध्यम को सा माना। जैसे अगर हम स्टेप्स अगर कंसिडर करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एट स्टेप्स अगर हैं, तो अगर 1 2 3 4 4 का अगर हम फर्स्ट कहे, देन फिफ्थ विल बिकम सेकेंड, सिक्स विल बिकम थर्ड, ऐसे होगा। वो अपनी जगह पे ही रहेगी, सिर्फ परसेप्शन बदलेगा, उस पर देखने की एक नज़रिया बदलेगा। वैसे ही उन्होंने किया कि मध्यम को सा किया, मैं एक बार गा के दिखाता हूँ। उस नयन की मेरे शब्द याद नहीं है एक मिनट, उस नयन की उनके मेरी लगी को बुझाए ना, क्या है लाइन देखी। निदा गम दम गर गर सा, निर गम पम गम रानी पामर गर सा, नि सदा दानी मा दानी सा, निर गम पम ग
यह राग पूरिया कल्याण सा तेरे भूल जाना मेरा प्यार सा तेरे भूल जाना मेरा प्यार। इस पर भी एक अलग सॉन्ग ब्रेकडाउन बनेगा, तो इसलिए कहा कि ये भी सेम पूरिया कल्याण में है। उस नयन की उनके मेरी लगी को बुझाना। अभी देखिए चेंज होने वाला है। मोहे बहा ले जाए, यहाँ पे क्या किया, मोहे बहा ले जाए पुरिया कल्याण से पुरिया धनशी, ऐसे क्या मोहे बहा ले जाए ऐसी लहर कोई आए ना। देखिए तीन राग चल रहे, पुरिया कल्याण, पुरिया धनश्री, पुरिया धनश्री के बाद दमगमगर सा हुआ पूर्वी। तो ये हुआ शुरुआत में पुरिया कल्याण तरा दा। फिर आया पुरिया धनश्री तरा दा पूर्वी। जहाँ पे शुद्ध मध्यम आ रहा है वहां पे पूर्वी आता है। पुरिया कल्याण, पुरिया धनश्री, पूर्वी, तीनों रागों का निचोड़ कहेंगे हम। एक फ्रेज में राग सामने खड़ा हो रहा है। तो मदन मोहन जी तो मेरे तो बहुत ही करीब है, पर ऐसे गाने सुनने के बाद और भी करीब आ जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे गाने उनके, तो डेफिनेटली मुझे उस पर भी सॉन्ग ब्रेक डाउन करना है उनके बहुत सारे गानों पे। तो जैसे अभी देखिए, अभी आ गए वो फिर से, हमारा जो पहला है पड़ी नदिया के, पड़ी नदिया के, समझ में आ गया होगा कि अभी फिर से घर पे लौट के आना है। सब घूम घाम के फिर से हम जैसे अवरोही डिसेंडिंग फिर से, ये बहुत मुश्किल टास्क होता है, बहुत मुश्किल, कि आपने पूरा घूम लिया तो ऐसे ना लगे कि ये पैच वर्क था, राइट। तो अभी हमें फिर से वहाँ पे आना है, तो वो जो लाइन होती है वो उस कंपोजर की एक मार्क लाइन होती है, या वहाँ पे उसका वो जो जीनियस जहाँ पे होता है तो वो वहाँ पे दिखता है उस लाइन में। तो ये लाइन देखिए आप, ये सबसे पसंदीदा लाइन है मेरे की। फिर से पुरिया कल्याण, आप देखिए पड़ी नदिया के किनारे में प्यासी, देखिए किनारे में प्यासी मायरी। ये जो ब्लेंड है मुझे पता नहीं आपको रोंगटे दिख रहा है कि नहीं, गूज बम्स अभी भी है। मैं जितनी बार ये लाइन गाता हूँ हमेशा आता है, पड़ी नदिया के किनारे में प्यासे मायरी, मैं कैसे कहूँ पी अपने जिया के मायरी। ये लता दीदी के आवाज़ में तो और भी डिवाइन लगता है। मैंने कोशिश की है, इस जन्म ने तो कोशिश ही कर पाऊँगा उनका गाना गाने की, और मदन मोहन जी का कंपोजिशन। तो ये जो लाइन है वो फिर से बागेश्री में, सादा सागर नी
दजानी रे जानी धप मगर दर सागर जानी धप मग गनी सा गम द मैं कासे कहूँ पी अपने जिया के मायरे। तो जैसे बंदिश होती है एक गाने में, वो जो एलिमेंट होता है वो उस गाने की डिविनिटी को और भी बढ़ाता है कि वो लाइन आपको डेवलप भी करनी आनी चाहिए। जैसे उसमें एक लचीलापन होता है, वैसे है इसमें एक बंदिश जैसे गाना है। मायरे बंदिश जैसे होते हुए भी वो बंदिश नहीं लग रही है, वो गाना है। तो ये खूबी है। सा गा मा दा नी दा गा मा सा। अभी अपने दर्ज बगड़ली नो भैया मोरे, भैया मोरे जोरा जोरे। अपने दर्ज बगड़ली नो भैया। तो ये प्योर बंदिश है, ये आपको सुन के भी लग रहा होगा। पर मायरे मैं कासे कहूँ पे अपने जिया के मायरे मायरे। अभी जैसे मैं हमेशा हारमोनियम पे एक्सप्लोर करता हूँ तो कीबोर्ड पे एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा आज फर्स्ट टाइम। तो अभी लेट्स एक्सप्लोर मायरी। मैं गाना नहीं बजाऊंगा, गाने के जो राग है उसकी छटा मेरे आलाप जोड़ जिसे कहते हैं कि आलाप ही है पर वो ताल से नहीं बदते, यानी तारा ये स्थाई हो गए। पूरे गलत